Hello everyone, this is Muhammad Aslam Al Hindi, and today you are watching the training program of SOLIDWORKS Essential. So, today we will import an image in SOLIDWORKS SOLIDWORKS and trace it and we will show you on it. So, this is the image, and let's import this image. I have started the new sketch, and now we will go to SOLIDWORKS logo. And from here, we will be going to the tools, and from the tools, we will be going to sketch tools. And from here you can see this is the sketch picture. Click on sketch picture. This window will pop up. यहाँ से आप इस image को select कर सकते हैं and then you can open. अब जैसे आप इसको open करेंगे आप इसका size maintain कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको simply click कर सकते हैं. तो ये image हमारी SOLIDWORKS के dashboard में हमारे interface के अंदर आ चुकी है. Now we can simply use the spline command to trace over this image. तो हम इसको zoom कर लेंगे ताकि हम ज़्यादा अच्छे से trace कर सकें और हम अलग-अलग points पर click करते चले जाएंगे ताकि हमारा जो spline है वो इसको trace कर सके. तो यहाँ मैं इसको spline को ख़त्म करता हूँ, मैं escape press करता हूँ और दोबारा से enter press करता हूँ तो command दोबारा start हो जाती है. तो नया स्पाइन स्टार्ट हो जाता है और ये मैं फिर से ट्रेस कर रहा हूँ. जितना आप ज़्यादा जूम करेंगे उतना आप अच्छा ट्रेस कर पाएंगे. जहाँ शार्प एंड है वहाँ आप ज़्यादा पॉइंट्स ले लें ताकि आपकी लाइन उस बैंड को फॉलो करे और यू कैन इजीली ड्रॉ, यू कैन इजीली ट्रेस. एस्केप करेंगे उसके बाद हमारा, आप देख सकते हैं हमारा स्केच ट्रेस हो चुका है. तो यहां आप देखेंगे स्केच मैंने कंप्लीट कर लिया और मैं यहां स्केच पिक्चर को हाइड कर सकता हूं या डिलीट भी कर सकता हूं इफ आई विश. मैं यहाँ से स्केच पिक्चर डिलीट कर सकता हूँ या मैं लेट मी रीस्टार्ट द स्केच. सो इफ आई क्लिक ओवर दिस स्केच पिक्चर आई कैन एडजस्ट दिस द डायमेंशंस ऑफ दिस पिक्चर वंस अगेन. और यहाँ हमने एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर रखी है तो मैं अगर इसको 1000 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाती है. आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज थी
और जो मेरा ट्रेसिंग थी वो दोनों आपस में डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। बेसिकली उनका कोई आपस में इंटीग्रेशन था नहीं, वी वर जस्ट ट्रेसिंग ओवर द लाइन ऑफ द स्लीव फ्रॉम दैट इमेज। सो मैं अगर इसको क्लिक कर देता हूँ, आप देखेंगे कि ये अलग है। एंड इफ़ आई विश, मुझे ज़रूरत है कि मैं इस इमेज को छोटा कर लूँ, यानी कि जो मेरा ट्रेस है ये भी मैं इसी अकॉर्डेंस में या किसी वजह से मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ या कहीं फिट करना चाहता हूँ। लेकिन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्केच पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इट्स नॉट नीडेड है, या मैं इसको सप्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा स्केच है जो मैंने ट्रेस किया है। मैं फीचर्स में जाता हूँ, मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। बेसिकली मुझे मेरे को इसको एक्सट्रूड करना था, तो 10 mm का एक्सट्रूजन में ले रहा हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसको आप छोटा कर लें, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर स्केल, यू कैन टाइप स्केल। अब हम इसको स्केल अबाउट व्हाट पॉइंट करना चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि हम इसको सेंट्रोइड के जो है अबाउट स्केल करें, या हम इसको ओरिजिन के अबाउट स्केल करना चाहते हैं। तो सेंट्रोइड सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ कि मेरा 0.8 mm रह जाए, 0.8 टाइम्स रह जाए इसकी एक्चुअल साइज़ का। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी इसका साइज़ हमारा ड्रॉप हो गया। तो जैसे हमें ज़रूरत होगी उसी अकॉर्डिंग्स में वी कैन ट्रेस, वी कैन स्केल दिस डाउन। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द ट्रेसिंग ऑफ एन इमेज इन सॉलिड वर्क्स। थैंक यू एवरीवन।